नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। द करला स्टोरी बनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में विवाद का कारण। कल की अगर बात करें रात की, तो एक विवाद सामने आया जिसमें एक ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें करला स्टोरी को लेकर कोई कमेंट्स हुए और उसी के चलते विवाद इतना बढ़ गया कि स्टूडेंट्स की आपस में मारपीट होगी, जिसमें एक भद्रवाह के एक मेडिकल स्टूडेंट को सर पर स्टिचेज आ गए। उसी के चलते आज स्टूडेंट्स, कुछ देर पहले हमने प्रदर्शन आपको दिखाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर, जितने भी स्टूडेंट थे वो प्रदर्शन करते दिखे। उसी के चलते स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि उन युवाओं को जिन स्टूडेंट्स ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने बोतलें मारी और तालों से चाबी लगी हुई से उन जो स्टूडेंट है जो भद्रवाह का उसके सर पर वार किया, जिसके चलते उन्हें चोटें आई, और उसके साथ अन्य दो तीन स्टूडेंट भी थी जो जिन्हें चोटें आई, फिलहाल वो इस समय ठीक है। और उसी के चलते जो स्टूडेंट है जिन्हें स्टिचेज आया, उसी के चलते स्टूडेंट्स लगातार वहां पर मेडिकल स्टूडेंट्स के द्वारा धरना प्रदर्शन किया। पुलिस की भी वहां पर मौजूद थी और वो मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द इन स्टूडेंट्स पर, जो चाहे आउटसाइडर हो या स्टूडेंट्स अंदर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के हो, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना सामने आए। उसी के चलते गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल शशि सुधर ने क्या कहा इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, आइए बताते हैं। कल जिस तरह से रात की घटना हुई है, क्या कहना चाहिए, आखिर क्या पूरा मामला बताइए। हॉस्टल में बॉयज़ हॉस्टल की ये वारदात है। कल कोई 10 बजे मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि बच्चों में आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ है, और ये भी पता चला कि कोई व्हाट्सएप मैसेज से इंस्टिगेट हुआ है मामला। और जैसे ही पता चला कि कुछ बच्चे इंजर हुए हैं, तो मैं पहले तो ज़रूरी समझा कि इस चीज़ का संज्ञान लिया जाए, और मैं एमरजेंसी में पहुँच गई। वहाँ पर 5 बच्चे एडमिटेड थे, तो लगी थी उनको और इन्वेस्टिगेट भी हो चुके थे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हुआ था। एक बच्चे को स्टिचेस लगाने की ज़रूरत पड़ी थी, वो हमारा स्टूडेंट भद्रवाह का था, और बाकी के बच्चे हमारे यहाँ के सारे थे। एकदम हमारे जो वार्डन्स हैं, हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है, हमारे इंचार्जेस, पुलिस बिल्कुल हमारे साथ थी और हम बच्चों के साथ जुड़ गए तभी से। ऐसा है कि हमारा स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 कनेक्ट है, मेरा, मेरी डिसिप्लिनरी कमेटी का, हमारे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स का। एक उस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा मिला कि बच्चे जल्दी ही चिन्हित हो गए कि कुछ अब छोटी उम्र है, या कई बार इनका सोच विचार थोड़ा वैसे चल पड़ा कि थोड़ा ग्रुपिज्म सा नज़र आया। एक चीज़ समझ में आई कि एक कोई जो जा चुके यहाँ से मेडिको किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज के, वो कहीं बाहर से आए, जिसको बड़ा सीरियसली लिया गया, जो जिन्होंने इस चीज़ को थोड़ा बढ़ावा दिया। तो FIR हमने कर दी और वो रजिस्टर भी हो गई है, उसके अगेंस्ट तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी जल्दी से जल्दी। दूसरा, जो चिन्हित बच्चे हैं, देखा गया कि थोड़ा अपनी पढ़ाई लिखाई या एकेडमिक्स के फोकस से हट रहा है उनका, उनको भी हमने कर लिया, और एक पेंडिंग इंक्वायरी, एक डिसिप्लिनरी एक्शन। उनको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अपने करिकुलम पे। आजकल हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन कैलेंडर के मुताबिक बिल्कुल इनका फिजिकली अटेंड करना, प्रैक्टिकल थ्योरी टीचिंग, तो सारे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ने उसका संज्ञान भी लिया, और ये भी देख लिया गया कि बच्चे थोड़े कहीं ना टाइमली एक्शन के ना होते कहीं डिरेल हो जाए, तो वो उन बच्चों को भी एक डिसिप्लिनरी एक्शन, पेंडिंग इंक्वायरी कर दिया जाएगा जल्दी से। अब रह गया कि एक जो हमारी इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिनरी कमेटी है, सारा मामला, सारी फैक्ट्स उनको सबमिट कर दिए गए सुबह से बैठ के 2-3 घंटे हमारे सारे। ये अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूशन में एक बड़ा हारमोनियस एनवायरनमेंट है, और सारे अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, सारे फैकल्टी मेंबर्स, और उन्होंने बच्चों के साथ भी बातचीत की है, और वो हमारी हिफाजत में है, हमारी निगरानी में है, हमारी प्रोटेक्शन में है, पुलिस भी उनके साथ है। मैं खुद रात के 5 बजे तक, सुबह में 5 बजे यहाँ से गई, मुझे कुछ ऐसा नेगेटिव नज़र नहीं आया। 4 बच्चे 5 में से डिस्चार्ज भी हो गए, एक जो भद्रवाह के हमारे कैंडिडेट हैं वो भी 2 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो ये हुआ है एक ऐसा हादसा जिस पे ऑल पॉसिबल डिसिप्लिनरी एक्शंस जो होने चाहिए टू रिस्टोर नॉर्मलसी, वो लिए जा चुके हैं। मैम, इन बच्चों पे वो कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा जिन्होंने इस तरह का बच्चों को चोटें पहुँचाई, हमला किया? बाहर से कोई हमारा अगर जा भी चुका है और आके हमारे माहौल को ख़राब करे, वो
तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उस, और हमारे बच्चे भी कभी ऐसी कोई हरकतें ना करें। हमारे इंस्टीट्यूशन की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, कुछ बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ये सब बच्चे इंस्टीट्यूशन के एक जीएमसी जम्मू के बच्चे हैं, और इनकी इनके साथ सबसे अच्छी बात है कि इनके टीचर्स का वन टू वन कनेक्ट होना एक बहुत अच्छी बात है। और कहीं भी इनके सोच विचार में हमें लगे कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो एक टाइमली एक्शंस लिए जाते हैं। मतलब इस इंसिडेंट में कितने बच्चे इंजर्ड थे? 5 बच्चे इंजर्ड थे और 4 बच्चे डिस्चार्ज हो गए, एक ही बच्चा है वो भी 2 घंटे में। सिक्योरिटी को लेकर सवाल जो है वो छात्र उठा रहे हैं कि बाहर से लोग आते हैं, आखिर सिक्योरिटी कहाँ पर थी? ऐसा बाहर से कोई आते नहीं है लोग, इनके अपने दोस्त या कुछ यहाँ से जा चुके मेडिकोज वैसे ही कुछ आ सकते हैं, लेकिन हमने इसको और इंटेंसिफाई कर दिया है। पुलिस हमारे साथ है हमेशा और वो रूटीन में हमारे हॉस्टल। किस तरह के कदम उठाए जाएंगे ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना दोबारा ना हो और नॉर्मल सी रहे? उस पर तो डिसिप्लिन तो एनफोर्स होगा और बच्चों को अपनी क्लासेस पूरी अच्छे से अटेंड करनी है, अपने सिलेबस सारे कवर भी करने हैं, करिकुला को ठीक से फॉलो करना है, उसके लिए उनको अपनी 100% इन्वॉल्वमेंट टुवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म एकेडमिक्स वो फोकस रखनी है, मेंटेन रखनी है। और इसके अलावा इनके एक्स्ट्रा करिकुलर कोविड में थोड़ा बच्चों में या पूरे संसार में ही हम सब में भी एक स्ट्रेस का एलिमेंट आया था, तो उसमें भी पूरा इनके इंडोर स्टेडियम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ सब कुछ बराबर ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट रहे, कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन बच्चों में ना आए जिससे उनका रुझान ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ने लगे। कॉलेज जो पूरा विवाद है ये पैदा क्यों हुआ, क्या वजह हुई कि इतना बच्चों को चोटी आ गई? अनफॉर्चुनेट है लेकिन ये कोई व्हाट्सएप मैसेज से शुरुआत हुई है तो उसी पे ये ओवर रिएक्शन हो गया। छोटी उम्र के बच्चे हैं तो हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे, टीचर्स बिल्कुल गार्डियंस भी हैं इन बच्चों के, और जिम्मेवारी से हमारे वार्डन्स हमारे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हमारी सारी फैकल्टी इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से जिम्मेवारी से हैंडल करती है। जैसे पास में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उम्मीद करते हैं कि आगे भी बच्चे बिल्कुल काउंसलिंग से लाड प्यार से और डिसिप्लिनरी एक्शन से भी जैसा ज़रूरी समझा जाएगा उनको नॉर्मलिटी को इमीडिएटली रिस्टोर।